समाजवादी पार्टी की टेंशन हाई, मुश्किल से बची रमाकांत की विधायकी। सपा विधायकों पर शनि की साढ़े साती, विधानसभा में 109 सदस्य बाकी। समाजवादी पार्टी के विधायकों पर लटकी कानून की तलवार हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार सपा के विधायकों को सजा हो रही है। अब इस लिस्ट में आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें MPMLA कोर्ट ने 2019 के एक केस में अलग अलग धाराओं के तहत 9 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि उनकी विधायकी बच गई है, क्योंकि अगर ये सजा 2 साल की होती तो आजम खान और अब्दुल्ला आजम की तरह उनकी विधायकी भी खतरे में पड़ जाती। आज न्यायालय द्वारा 147 में 4 महीने की सजा, 323 में 2 महीने की सजा, 504 में 2 महीने की सजा और 149 में 1 महीने की सजा, कुल 9 महीने की सजा और 7,000 रुपये जुर्माना करके दंडित किया है। दरअसल 2019 के एक मामले में जब काफिला निकालने के दौरान मारपीट हो गई थी, उस मामले में कोर्ट ने रमाकांत यादव को 9 महीने की सजा सुनाई है और 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं गनीमत की बात ये रही कि रमाकांत यादव की 2 साल की सजा नहीं हुई, क्योंकि अगर 2 साल की सजा होती तो फिर रमाकांत यादव की विधायकी भी जा सकती। लेकिन जिस तरह से रमाकांत यादव को सजा हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि रमाकांत यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी, बलवा, हत्या के प्रयास समेत कुल 48 मामले दर्ज हैं। सभी मामलों में अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। हाल ही में रमाकांत यादव का नाम जहरीली शराब कांड से हुई मौत के मामले में भी सामने आया था। मतलब इस बार तो रमाकांत की विधायकी बच गई है, लेकिन आगे कई ऐसे मामले हैं जिनमें अगर सजा हुई तो रमाकांत यादव और सपा दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक आजम और अब्दुल्ला को मिलाकर सपा के 2 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, जिससे विधानसभा में सपा सदस्यों की संख्या घटकर 109 हो गई है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा विधायकों पर लटकी विधायकी वाली तलवार हटेगी, क्योंकि जिन सीटों पर सपा के विधायकों की सदस्यता जा रही है उन्हें भाजपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जीत ले रही है।